আমরা ভারতকে আমরা বলছি আপনারা সতর্ক হন। আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে বাংলাদেশের এই যে রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ সেটিকে ব্যাহত করার জন্য আপনারা আমাদেরকে এভাবে মানুষকে সংকটকালীন সময়ের মধ্যে পড়বেন, আপনারা চিকেন নেকের কথা ভুলে যাবেন না, আপনারা চিকেন নেকের কথা ভুলে যাবেন না। नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आपने सुना हसनत अब्दुल्ला को, जो कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हुए थे उसका मेन कोऑर्डिनेटर था, नेशनल कोऑर्डिनेटर था। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए परिस्थितियां उतनी ही खराब है, लेकिन उसी के साथ कुदरत ने भी बांग्लादेश के ऊपर कहर ढाया है और वहां पर बाढ़ आई हुई। अब वो जो बाढ़ है उसमें ये हवा चलाई गई है कि भारत में त्रिपुरा में जो डैम है उसको सडनली खोल दिया कोई भी नोटिस दिए बिना, और उसके चलते बांग्लादेश में बाढ़ आ गई और बहुत सारे लोग उससे प्रभावित। ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं, ऐसी बातें चलती रहती हैं, और इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं वो कभी भी किसी को भी कहे बिना आ जाती, लेकिन उसमें भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपने जो पिट्टू हैं उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन लोगों को प्रभावित करने, उन लोगों के ऊपर अपना जोर दिखाने के लिए ये एक स्टेटमेंट हसनत अब्दुल्ला के द्वारा दिया गया। अब उसी के ऊपर ये पर्टिकुलर रिएक्शन वीडियो है। लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात उसने कही है इस वीडियो में, जिसमें उसने ये कहा कि अगर इस बाढ़ के चलते, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है, उसके चलते एक भी व्यक्ति अगर बांग्लादेश में मरता है तो वे लोग चिकन नेक, यानी कि जो भारत को सेवन सिस्टर्स से जोड़ता है, उसको वे लोग काट देंगे। यानी कि जो सेवन सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो सात राज्य हैं, उनको वे लोग भारत से अलग कर देंगे। इस प्रकार की धमकी इस भी है। अब ये जो मटर चटनी है वो भूल गया है कि जिस भारत से वो बात कर रहा है, जिसको वो आंखें दिखा रहा है, वो भारत उनके जो बाप है उसका भी बाप, यानी कि पाकिस्तान का भी बाप है, तो उस हिसाब से वो बांग्लादेश का दादा है। तो ये अपने दादा को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है और धमकी दे रहा है कि वो चिकन नेक को काट देगा। इन लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आती कि अगर वे लोग कोई भी एक्शन लेते हैं तो क्या भारत की आर्मी चुप बैठे, भारत के लोग क्या चुप बैठेंगे। ये भूल जाता है, ये बहुत जो खुद कठपुतली बने हुए हैं वो भूल जाते हैं कि वे लोग एक प्रोस्टिट्यूट जैसे हैं, एक वेश्या जैसे हैं, जो अमरीकियों के पैसों पे पलते हैं, नाचते हैं, और उसी नाच के दौरान उन्होंने ये जो तबाही बांग्लादेश में मची हुई है वो उन्होंने बढ़ाई है। वो खुद एक कठपुतली है और वेश्या है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मोहम्मद यूनुस हो, हसनत अब्दुल्ला हो, या फिर बांग्लादेशी आर्मी। तो उन लोगों ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम पर लोगों को भड़काया, एक रैबिट डॉग हड़काए हुए कुत्ते की तरह लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पर उतारा, पूरे बांग्लादेश से स्टूडेंट्स को खास करके भड़का के, जो लोग आगे बढ़ना चाहते थे, जो लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते थे, उन लोगों को भी भड़काकर रास्ते पर उतारा गया। और अल्टीमेटली शेख हसीना, जो कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा और उसको देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। उतना ही नहीं, साथ ही में वहां के जो एपेक्स कोर्ट के जज हैं उसको भी कू करके इस हसनत अब्दुल्ला ने वहां से जबरन हटाया, कोई भी मेरिट का ध्यान ना रखते हुए। उसके बाद उन लोगों ने सडनली किसी और को बिठा दिया वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, जो भी करना है करो आप अपने देश के साथ, अपने लोगों के साथ, लेकिन ये मत भूलना कि भारत की सेना ही थी जिसने इंटरफियर किया था। जी हाँ, भारत ने, भारत की सेना ने इंटरफियर किया था 1971 में, जब जाके पाकिस्तानी आर्मी और वहां के पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स के द्वारा जो बांग्लादेशी महिलाओं के ऊपर व्याभिचार हो रहा था, जिसमें लाखों महिलाओं और बच्चियों के ऊपर व्याभिचार किया गया था, हो सकता है उनमें से एक की नस्ल तू भी हो, उन लोगों को पाकिस्तानियों से छुड़ाया, उन लोगों को आजाद करवाया, तब जाके बांग्लादेश बना था। मुक्ति वाहिनी अकेले ये काम नहीं कर सकती थी, वे भी बहादुर थे और उसके साथ खड़ी थी भारत की सेना, उस समय जब पाकिस्तान के साथ यूएस भी खड़ा था। तो ये समझ लो कि जब भी तुम्हारे में से कोई भी कठपुतली या वेश्या ऐसी कोई भी हरकत करना चाहे भारत के साथ, तो भारत चुप
नहीं बैठेगा, सेना तो है ही, लोग भी घर में घुसकर मारेंगे। याद रखना, ये जो तुमने गंद मचाया हुआ है वेस्ट बंगाल में भी, उसके ऊपर भी जवाब तुमको मिलेगा। इसका अगर एग्जाम्पल देखना है, खुद बांग्लादेश में देखो कि किस तरह से हिंदू आज खुद बांग्लादेश में लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जरूरत पड़े तो वो भी कदम उठाएंगे जिससे तुम लोगों की फटती है। साथ ही में एक और बात कहेंगे कि भारत के चिकन नेक को काटने की जगह पर पहले अपने जो चितगांव का एरिया है, जिसको यूएसए काटने के लिए तैयार बैठा है, उसको बचा ले। खुद तो अंग्रेजी का टीचर था, कोई इलेक्शन विलेक्शन कभी लड़ा नहीं, ना ही खुद कोई पार्टी से बिलोंग करता था, ना ही मोहम्मद यूनुस कोई पार्टी से बिलोंग करता था, लेकिन हाल में सत्ता पर बैठे हुए हैं। हो सकता है तो पहले अपनी पूंछ बचा लो। चितगांव का जो एरिया है जिसको क्रिश्चियन नेशन में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, उसको बचाकर दिखाओ। उसके बाद भारत के साथ कोई भी खेल खेलने की सोचना, उसके पहले गलती से भी आवाज ऊंची मत करना और आंखें हमेशा नीची रखना। तुम प्रोस्टिट्यूट हो, कठपुतली हो, यूएसए की, अमेरिका, वेस्ट की। सभी भारतीयों से आग्रह है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और खास करके हसनत अब्दुल्ला तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उसको भी पता चले कि सिर्फ वो अकेले आवाज ऊंची नहीं कर सकता। भारत में 100 करोड़ है, गुम हो जाओ। जय हिंद, हर हर महादेव।